नमस्कार। आज की रेसिपी है खस्ता गजा, जिसे आप सफर में भी लेकर जा सकते हैं और ऐसे आप इस मिठाई को आप 15 दिन तक यूज कर सकते हैं डब्बा में भरकर रख के। बिल्कुल खस्ता है, अंदर से आप सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी है। आप इसे जरूर ट्राई करना। इस खस्ता गजा को आप बनाकर रख देंगे तो आप प्रसाद की तौर पर भी यूज करेंगे। खूब स्वादिष्ट है। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर। अब लेते हैं सामग्री। यह है मैदा 1.5 कप, घी 2 बड़े चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच और नमक 2 चुटकी। यहाँ सौंफ लिए हैं 1 टेबलस्पून, छोटी इलायची हरी इलायची 4 और छोटा सा टुकड़ा हमें नींबू चाहिए। सूखे दूध जो मिल्क पाउडर है अमूल का वो लिए हैं 1/2 कप। चीनी है यहाँ 200 ग्राम या 1 कप। पहले चीनी की चाशनी बना लेते हैं। 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी और जो 4 हरी इलायची है उनको थोड़ा खोल दिए और इसमें डाल देते हैं। अब मिला लेते हैं और इसको चाशनी बनाते हैं। पूरे 5 मिनट उबालेंगे मध्यम आंच पे, वो हमारा एक तार की चाशनी ये बन जाएगा। शुगर सिरप हमारे बन गया है। हम यहाँ गैस बंद करते हैं और नींबू का 2 टुकड़ा पतले पतले काटकर हम इसमें डाल देते हैं। अब ढककर इसको छोड़ देते हैं। अब मैदा, बेकिंग सोडा, नमक और मिल्क पाउडर इस सभी को अच्छे से हम छान लेते हैं एक बार इस घी के ऊपर। अब मिला लेते हैं सभी सूखे सामग्री को इस घी के साथ। अच्छे से हम दोनों हाथ पे इसको घिस लेते हैं। ये घी अच्छी तरह मैदा से मिल जानी चाहिए। अब हम इसमें डालते हैं हमारा पान मधुरी जो सौंफ है। 3 मिनट अच्छे से रगड़ लेंगे हम घी के साथ इन सूखे सामग्री को। देखो तैयार हो गया है हमारा। अब यहाँ हम ठंडा दूध लिए हैं और ठंडा दूध में हम इसको गूंथ लेंगे। इसको ज़्यादा गूंथने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े थोड़े दूध डालेंगे और इस मिश्रण को हम इकट्ठा कर लेंगे। इसे बिल्कुल टाइट रखना है, मुलायम नहीं करनी है। थोड़े से दूध में हमने इसको गूंथ लिया। अब देखिए ये इकट्ठा हो गया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गया है। अब देखते हैं हमारा, ये देखिए कैसा हम इसको मिला के रखे हैं एक साथ। ऐसी होनी चाहिए, सूखा गीले नहीं बनानी है। अब इसको लेकर हम बेल लेते हैं। इसे हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, मोटा रखेंगे। अब बेलने के बाद अब इसको हम काट लेते हैं, 2 पीस कर लेंगे। अब पहला पीस इसके ऊपर रख लेते हैं, ऐसे सेट कर लेंगे। अब देखिए कैसे हमारा ये लग रहा है, ऐसे आपकी जाली होनी चाहिए। फिर दोबारा हम इसको बेलते हैं, फिर काट लेते हैं, फिर सेट कर देते हैं। इसे हम बेलेंगे और काटेंगे, सेट करेंगे कम से कम 6 बार। 6 बार करेंगे तो इसके अंदर आराम से खूब सुंदर लेयर से आ जाएगा जब हम तेल में तलेंगे। अब हम इसे 6 बार कम से कम बेल लिए और 6 बार काट कर इसको सेट कर दिए। अब इसको हम गजा का आकार दे रहे हैं मोटे मोटे। पहले इस तरफ से काट लेते हैं और मोटे रखना है हमें तो छोटे छोटे हम कम से कम 1.5 इंच का लंबाई रखेंगे। हम इसे मोटे मोटे रखेंगे। अब इसको इस तरफ से भी काट लेते हैं। अब ऐसी पीस होनी चाहिए छोटे छोटे। और देखिए अंदर से कैसे जाली जाली से देख रहा है। जब तेल में जाएगा
खूब खास्ता बन जाएगा हमारा ये गजा। अभी ये जो किनारा बचा हुआ है इसे हम इकट्ठा करते हैं, फिर इसको बेल लेते हैं और काट का ये गजा का आकार दे देते हैं। सेम प्रोसेस में हम इसका भी कर लेंगे जितना है हमारा गजा। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे गजा जो कट के तैयार हो गया है। अब तेल हम गरम करते हैं और उस तेल को ज़्यादा तेज गरम नहीं करेंगे। एक छोटी सी टुकड़ा काट कर देखते हैं, चेक करते हैं हमारा तेल कितना गरम है। इतनी सेकेंड्स में अगर ऊपर आ जाती है तो तेल हमारा तैयार है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ से मध्यम आंच पे। ये सभी गजा को हम एक बार में फ्राई करेंगे। अब देखिए इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है और छेड़ेंगे तो ये तेल ज़्यादा गर्म नहीं है तो हमारा किनारे से ये टूट जाएगा। अब इसको एक तरफ हो जाए अच्छे से तो उल्टा कर लेते हैं। अब जब हम इसको उल्टा करते हैं थोड़ा धीमी कर लेते हैं गैस। अब इसको उल्टा कर लेते हैं। अब हो गया है उल्टा, इसको फिर छोड़ देते हैं पकने के लिए पूरा। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए देखिए ऐसे आपको देखने लगेगा हमारा गजा। निकाल लेते हैं उसका एक्स्ट्रा ऑयल भी हम निकाल लेते हैं। इस जाली के ऊपर हम रख लेते हैं जो इसके ऑयल निकल जाएगा। अब चीनी की चाशनी जो है नींबू डाले थे इसका हम नींबू निकाल लेते हैं। अब ये चाशनी थोड़ा सा हमारा गुनगुना है, हम तब ये गजा को सिरप में डाल रहे हैं, चीनी की जो चाशनी है उसमें डाल रहे हैं। अच्छे से हम चीनी की चाशनी में इसको डुबा देंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद हम इसे चीनी की चाशनी से निकाल लेंगे। अब इसको निकालने के बाद ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाए देखिए कैसे आवाज़ कर रहा है हमारा ये खास्ता गजा। ये क्रिस्पी खास्ता गजा हमारा बनके तैयार हो गया है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से मुलायम, देखिए खूब स्वादिष्ट है, जरूर ट्राई करना। फिर एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मैं आऊँगी। धन्यवाद।